आंखों की झील से हम जो है बह रहा, दर्द जो मिलना था मुझे बस वो मिल गया। दिल के शहर में भी छाई वीरानियां, तन्हाइयों की भीड़ में चैन खो गया। उदासियों का है ये कैसा सिलसिला, जो चाहता मैंने क्या, ये क्या है प्यार में मुझे मिला, ये जीना भी है शकुर, शकुर कहाँ हो? ओए बीबी जी क्या बात है? रायत पहुंचने ही वाला है थोड़ी देर में। मैंने तुमसे कब से कहा हुआ था कि वहाँ के पर्दे चेंज कर दो, मगर वहीं रखे हुए, क्यों नहीं चेंज किया अभी तक? बस अभी हो जाएंगे बीबी जी, वो असल में मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था ना, इसलिए इसको बुलाने। अच्छा ठीक है, अब जाओ जाकर देखो उसे। जी अभी देखता हूँ। इस घर में किसी को भी एहसास नहीं है, सारा काम मैं ही करूँ। मेरा बच्चा आ जाएगा थोड़ी देर में और इनके काम नहीं खत्म हो रहे। ये तुम सारा दिन शीशे ही साफ करते रहोगे? खत्म करो, जल्दी करो सारी डस्टिंग, और उसके बाद वहां नीचे सामान रखा हुआ है वो उठाओ जाकर, जल्दी करो। सकीना जी। बाजी सैलेड हो गया? ठीक, हाँ ठीक है, बस ये रखो यहाँ पर। ये सारा काउंटर क्यों बिखरा पड़ा हुआ है? ये मट्टी देखो जरा। बाजी सुबह से कई मरतबा डस्टिंग कर चुकी हूँ, बार बार आ जाती है डस्ट। ओके ओके जल्दी से करो। हाँ ये माली बाबा भी ना। माली बाबा क्या कर रहे हैं? ये सारे कैक्टस आपने यहाँ लाकर क्यों रख दिए? आपको पता है ना ये रायत के पसंदीदा हैं, और ये आप सारे यहाँ से उठाएं और जाकर रायत के कमरे के बाहर रखें, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? बाजी कोई काम था। काम था मतलब सब तैयार है? हाँ जी बाजी सब तैयार है, बिरयानी मैं रात को ताज़ा बना दूंगी, अभी से ठंडी हो जाएगी। अच्छा बिरयानी और रायता, सलाद, कबाब, स्टेक मैरिनेट किया तुमने? बाजी सब मैं रात को ताज़ा बनाऊंगी, मैरिनेट भी कर दिया है और शाही टुकड़े भी बना दिए। शाही टुकड़े किसने कहे थे बनाने को? मेरा बच्चा चने की दाल का हलवा खाता है शौक से, तुम्हें वो कहा था बनाने को? बाजी वो तो आपने जुलेखा खाला को कहा था। अरे हाँ, जाओ जाकर पूछो कि हलवा बना या नहीं। हाँ जी, मैं जरा शकूर को देखूं, इस कदर सुस्त आदमी है। ला मुझे दो, मैं काटू। हाँ अब तो काट लिया। सलाद की एक प्याज तो तुमसे कटती नहीं है, किलो भर मेवा लेके बैठ गई। लेकिन काट भी तो लिया ना। मेवे से ज्यादा तो उंगलियां काट ली तुमने। इधर दो, तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी मैं? कह दीजिएगा, कुछ सीखने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। सीखने के लिए अभी उम्र पड़ी है, जरा सी ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारी छोटी बेगम सर को आ जाएंगी मेरे। तो कह दीजिएगा मैंने किया, फिर कुछ नहीं कहेंगी। महारानी लगी हो ना कहीं की, जो वो कुछ नहीं कहेंगी। और ये छुआरे कौन डालता है हलवे में? मैं डालती हूँ, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ बाकी के दो छुआरे भी काट देती, और मीठा हो जाएगा। दो मुझे। हद से ज्यादा मिठास बढ़ जाए तो कड़वाहट हो जाती है। दो छुआरे डालने से कोई हद नहीं बढ़ती। हाँ तुम्हें हद का ही तो नहीं पता।
मेरा मतलब था कि इसे क्या पता कि कौन से खाने में क्या चीज कितनी डलती है, ये कोई काम जो नहीं करती। महापारा तुम बर्चे खाने में जाओ, मैं आ रही हूँ। जी, मैं भी हलवे का ही पूछने आई थी, बेगम साहिबा ने कहा था। बेगम साहिबा से कहना कि बन रहा है अभी, और राहिब मियाँ के आने में तो वक्त है अभी। हाँ वही तो, लेकिन बेगम साहिबा बहुत अतावली हो रही हैं, हर बेल पे कहती हैं देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। उनका तो बस नहीं चल रहा कि सोहेल भाई का हाथ पकड़े और राहिब भाई को लेने अमेरिका चली जाए। वैसे उनके आने में कितना वक्त बाकी है? कुछ ही देर बाकी है, मौजे कर लो। खैर मैं चलती हूँ, बहुत काम है वहाँ पर। तुम तो खाना पकाकर चली जाती थी ना, तुम कुल वक्ती हो गई हो क्या? हाँ सोहेल भाई की शादी तक तो मैं यहाँ हूँ। वो क्या है ना, बेगम साहिबा ने कुल वक्ती नौकरों को सर चढ़ा रखा है, तो फिलहाल कुल वक्ती काम के लिए मुझे ही रोक लिया। दादी देर हो रही है ना, चले। कुछ लगा लो, छाला हो जाएगा। नहीं पड़ता दादी। जिद्दी तो इतनी है कि कोई बात सुनना ही नहीं है। मैंने कहा था कि मैं भूल दूं, लेकिन नहीं, हाथ भी जला लिया, उंगलियां अलग काट ली। हाथ जल गया लेकिन हलवा तो नहीं जला ना। अगर मैं बनाती ना तो ना हाथ जलता और ना उंगलियां कटती। चलो दो बस। तो इसमें मेरे हाथ का जायका और मोहब्बत कैसे आती? तुम्हारे हाथ के जायके का क्या करना है? क्या हो गया दादी? वो घर है मेरा, वो लोग मेरे अपने हैं। हजार बार समझाया है तुम्हें कि तुम्हारा घर ये है, तुम्हारे अपने सिर्फ मैं और तुम्हारे अब्बा हैं। वो हमारे मालिकों का घर है और हम उनके नौकर हैं। दादी मैंने आपको लाख दफा बताया, वो मुझे अपनी बेटी जैसा समझते हैं। बेटी समझने से तुम उनकी बेटी नहीं हो जाओगी, रहोगी तुम उनके मुंशी की ही बेटी। महापारा कैसे समझेगी लड़की? महापारा समझा करो बेटा। मुंशी की बेटी की तकलीफ पे कोई इतना तड़पता नहीं है और ना ही इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाता है। वो तो मुझे अपना समझते हैं, आप उन्हें अपना नहीं समझते। महापारा अपना ये जताने से कोई अपना नहीं हो जाता। हाँ पता है मुझे, आपकी नजर में अपनायत सिर्फ खून के रिश्तों में होती है। अपनायत सिर्फ बराबरी के रिश्तों में होती है। दादी प्लीज आज ये सारी बातें नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, आज नहीं। अच्छा चलो इस पे कुछ लगा लेना, छाला पड़ जाएगा। हरगिज नहीं, अम्मी जी को पता चल गया ना वो परेशान हो जाएंगे, और अब्बा को भी मेरी उंगलियों के बारे में मत बताइएगा, वो दुखी हो जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ अम्मी जी इंतजार कर रही होंगी। कब समझेगी ये लड़की? अब शक्ल दिखाइए, तुमने सुबह से कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा? ये इतने सारे कपड़े क्यों फैलाए हुए हैं? मेरा बेटा आ रहा है तो मैं सोच रही थी कि कौन सा सूट पहनूं, ये वाला पहन लेती हूं। उन्हें लाइट कलर कहां पसंद है? आप एक काम करें, ये वाला ड्रेस पहने, ये आप पे बहुत अच्छा लगता है। सही कह रही हो वैसे, अगर तुम ना होती तो मुझे कौन याद दिलाता ये बात? मैं क्यों ना होती, मैं हमेशा यही हूँ और आपके पास ही रहूंगी। हाँ हाँ तुम तो हो ही मेरी अपनी। क्या हुआ?
कुछ नहीं, फरी याद आ गई। आज मेरी फरी होती तो राहत के आने पर कितना खुश होती। उनके आने से तो मैं भी बहुत खुश हूँ मम्मी जी। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सारा घर फूलों से सजा दूं। और मेरा बस चले ना तो मैं आसमान के सारे तारे तोड़ के चौखट पे लगा दूं। अरे वाह, फिर जल्दी से जाकर ना 2-4 तारे तोड़ कर ले आओ। ऐसे ना कहे अम्मी जी, मैं वाकई ले आऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है। आप मेरा मजाक उड़ा रही है ना? नहीं भाई, मजाक क्यों उड़ाऊंगी, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। हाँ तो जो मेरा दिल चाह मैंने कह दिया। मॉम, फूल आ गए हैं और सजाना भी शुरू कर दिए, और कोई हुक्म? नहीं, थैंक यू। तुम कैसी हो महापारा? आप कैसे हैं दूल्हे राजा? माइयों के फूल अभी से मंगवा लिए? अरे नहीं नहीं, इसकी माइयों के थोड़ी हैं, रायत की खुशी में मंगवाए। कहा ना मेरा दिल चाह रहा है सारा घर फूलों से सजा दूं। बेटा जाकर देखो, तुम्हारे डैड अभी तक नहीं आए, इतनी देर हो गई है। मैं देखता हूँ और आपका सारा घर फूलों से सजा देता हूँ। मतलब आपने वाकई में फूल मंगवा लिए? हाँ हाँ, तो मेरा दिल वही करने को चाह रहा था ना जो मेरी दस्तरस में है। ये तो अपने साथ ही दुश्मनी हुई ना। इतने छोटे छोटे कट हैं अब्बा, नजर भी नहीं आ रहे। इन छोटे छोटे जख्मों को अगर खुला छोड़ दिया जाए ना तो अजाब बन जाते हैं। ये नहीं बनेंगे, देखें जरा सी भी तकलीफ नहीं है। बेटा इन जख्मों की तकलीफ अगर देखनी है ना तो मेरी आंखों में देख, अपनी दादी की आंखों में देख। दादी कलाई देखो इसकी, मैं कहती रह गई कि जले पे मरहम लगा लो, लेकिन मेरी सुनती है ये? देखो छाला पड़ गया होगा। एक तो मेरे मना करने के बाद भी आपने अब्बा को बता दिया, पर से रो भी रही है। रहमत से कह दो कि मैं इससे बात नहीं कर रही। अच्छा बात तो सुने ना, आए ना इधर, आए ना बैठ। अच्छा ठीक है, बात मत करें लेकिन मरहम तो लगा देना। हाँ लगा देना दादी। नहीं लगाना मुझे कोई मरहम वरम, पड़ जाए छाला। लगा दे अम्मा, इसके हाथ पे पड़ा छाला फूटेगा तो हमारे दिलों पर। हाँ देखिए ना कितना बड़ा छाला हो गया। मजाक कर रही थी। जान लेगी ये किसी दिन हमारी। ये तो हमें जिंदगी देती है अम्मा, ये हमारी क्या जान लेगी, इससे नाराज मत हुआ करें। हाँ बस तुम और छोटी बेगम ही तो सगे हैं इसके, दादी तो दुश्मन है ना सबसे बड़ी। अरे हाँ, तुम्हारा सोहेल मिया की शादी का जोड़ा रह गया था ना, वो ले आना आज जाके। आज? हाँ हाँ, अपनी किसी सहेली के साथ चली जाना, जाकर ले आना, फिर शादी का हंगामा शुरू हो जाएगा, फिर कहाँ वक्त मिलेगा मार्केटों में फिरने का। लेकिन अब्बा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हो सकता है मुझे फजल साहब के साथ रायद मियां को लेने जाना पड़े, तो खाना खिला के जाऊंगा तुम्हें। क्यों अब्बा, मैं खुद खा लूंगी। खबरदार जो तुमने पट्टी उतारी, मैंने कहा ना खाना खिला कर जाऊंगा, तो जल्दी आना ठीक है। तंग किया है तुमने। अच्छा लगाए ना। हाँ मुझे पता है इस बार। जी मैडम, बताएं आपको क्या दिखाऊं? ये देखो ये कैसा है?
नहीं, तुम्हें पता तो है इस बार मुझे कुछ खास पहनना है। हाँ हाँ मुझे पता है, इस बार तुम्हारे राय साहब अपने भाई की शादी अटेंड करने आ रहे हैं। अच्छा ये देखो ये कैसा है? अरे मैडम ये ठीक लग रहा है आप पे। क्या खाक अच्छा है यहाँ? कितना फीका लग रहा है मुझ पे। मैडम ये सूट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, खिल रही है इसमें आप। तो जरा उन पर लगा कर दिखाएं, अच्छा लगे तो मैं खरीदूंगी। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, ये देखें जरा आप, ये देखें मैडम कितनी प्यारी लग रही है ये। इतना फीका लग रहा है। आप कुछ और दिखाएं ना। देखें देखें कुछ बहुत, आप सेलेक्ट करें। मेरा कैसा है? अच्छा तो है, है ना? अच्छा है ना? मैडम बहुत हसीन लग रही है इसमें आप। हसीन तो मैं हूँ। इसका दुपट्टा दिखाएं ना। ये है कितने का? मैडम पहले पसंद तो कर ले, कीमत भी हो जाएगी। बहुत प्यारा है। वाह। ये लगा के देखिए आप। कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी। अच्छा है ना? भाई ये है कितने का? सिर्फ 10,000। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5,000 ही हैं। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप, इतने का तो होलसेल में भी नहीं पड़ता है ना। अच्छा मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही हैं, हम फिर किसी और दुकान से ले लेंगे। थैंक यू। आपको ये पसंद है ना? हाँ लेकिन बहुत महंगा है। देखिए अगर आपको पसंद है ना तो ऐसा करें आप ले लें। देखिए मैडम ये सिर्फ आपको 5,000 रुपए का दे रहा हूँ। पक्का? मैडम आप पे इतना प्यारा लग रहा है और आप पहनेंगी तो इसमें खिल उठेंगी। ओके मैं आपको अभी दे देती हूँ 5,000 रुपए। अरे थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, टाइम कम है और सारे फ्रेश फूल लगाना। सुहेल तुम्हारे डैड कहाँ रह गए बेटा, तुम लोगों को एयरपोर्ट भी तो जाने। मॉम जाना है लेकिन डैड अभी रास्ते में है, अभी ये काम करवा रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो। अच्छा तो तुम एक काम करो, ड्राइवर से कहो फटाफट गाड़ी निकाल ले, देर हो जाएगी ना। और तुम्हें पता है कि रायत को इंतजार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अरे बिल्कुल देर नहीं होगी, मैं देख लूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। शकूर आप जरा इसको देखें, ये फ्रेश फूल लगाए। शकूर बात सुनो। वाकई इतना भारी दुल्हन वाला जोड़ा सुहेल भाई की शादी में पहनोगी? पागल हो क्या? दुल्हन वाला और जोड़ा हमेशा उसी का होता है जो उसे पहन ले। क्या बेकार की लॉजिक है। हाँ तो आज ही अम्मी जी कह रही थी कि जो चीज दस्तरस में हो उसकी ख्वाहिश कर लेनी चाहिए। तो राय की ख्वाहिश तुमने क्या सोच कर की? वो मेरी ख्वाहिश नहीं है। फिर वो तो मेरी मोहब्बत है। संभल कर है ना, एक तरफा मोहब्बत इंसान को ख्वार करा देती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें तो ये भी नहीं लगता होगा कि ये जो दुकान वाले ने तुम्हें 10,000 का जोड़ा 5,000 में दिया है वो उसकी अच्छाई नहीं ठरक थी। तुम पागल हो। देखा नहीं था कैसे लहक लहक कर तारीफे कर रहा था? आंखें नहीं देखी थी तुमने उसकी? हाँ तो क्या, लोग लड़कियों की तारीफें जब ही करते हैं जब उन पर बुरी नजर होती है। लोग दूसरी लड़कियों की तारीफें इसलिए करते होंगे ताकि उन पर बुरी नजर डाल सके। मेरी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। बताओ सच नहीं है क्या ये बात? तुम बेशक खूबसूरत हो मगर मुझमें इतनी अकल है कि मैं लोगों की अच्छी और बुरी नजर को पहचान सकूं। जब तुम इतनी खूबसूरत इतनी परफेक्ट हो कि किसी राय या मशवरे की जरूरत नहीं तो मुझे क्यों लेकर जाती हो साथ? ताकि मुझे बुरी नजर ना लगे ना। देख लूंगी बेटा मैं तुम्हें। हाँ हाँ देख लेना, लेकिन पहले मैं ये जोड़े अब्बा को दिखा दूं। देखो ना। ओए, पूछा भी नहीं मुझे। देख लूंगी इसको। Thank you.
सुहेल बेटा, एमरजेंसी में ये मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी तुम्हें? डैड, ये मीटिंग एमरजेंसी में नहीं रखी, ऑलरेडी शेड्यूल्ड थी। राइट की फ्लाइट रात 2 बजे की, तो मैंने सोचा बीच में मीटिंग हो जाएगी। मुझे पता है आप राइट से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। बेफिक्र है, हम वक्त पे पहुंच जाएंगे, 2 बजे फ्लाइट है उसकी। बेटा सच पूछो ना, तो मीटिंग में भी मुझे राइट का ख्याल आ रहा था। मुझे भी। अरे भाई ऐसा करो, थोड़ा तेज चला लो। एयरपोर्ट से निकले हुए कितना वक्त हो गया होगा? तकरीबन 32 मिनट। 32 मिनट, फिर तो बस आने ही वाले होंगे किसी वक्त भी। अरे दरवाजा खोल दो, पहुंचने वाले हैं राय दो। हेलो, कैसे है मेरा बच्चा? क्या हाल है आपके? ओह वाओ, लुक एट यू। हां अम्मा किसकी हूं? माशाल्लाह क्या जबरदस्त सेटअप किया आप लोगों ने, आई लाइक इट। मेरा तो दिल चाह रहा था सारा घर फूलों से भर दूं अपने बेटे के लिए। चले अच्छा अच्छा बल्कि एक मिनट। ये ले, आप लोग आपस में बात। हो गया? हाँ चले चलो। ये ले मॉम के स्पेशल कबाब। राइट तुम्हें दूँ? नहीं, आई एम गुड। रायत, ये सोहेल क्या कह रहा है? तुमने इसकी शादी के लिए कोई तैयारी नहीं की, कपड़े नहीं बनवाए? अरे बेटा कुछ लो ना। भाई इतने अरसे के बाद तुम्हारी मामा ने किचन में बहुत वक्त गुजारा और खास तौर पे तुम्हारी पसंद की चीजें तैयार की। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे मॉम, मैं इतना अच्छा खाना खाऊं या फिर आपकी बात का जवाब दूं? हद करते हो तुम भी, भाई की शादी है और तुमने एक कपड़ा तक नहीं बनवाया। अरे मॉम, मुझे बनवाने की क्या जरूरत है और आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? देखें, रेडीमेड आउटफिट्स हैं ना मार्केट में, अवेलेबल होते हैं, मैं जाकर खरीद लूंगा। मैं भी यही कह रही हूँ कि रेडीमेड ही शॉपिंग कर लो, कुछ तो खरीद लो जाके। अरे भाई तुमसे अच्छी तो माँ पारा है, उसने 7 ड्रेसेस बनवाए, वो भी सारे मैचिंग ज्वेलरी के साथ। आप मुझे माँ पारा से कंपेयर कर रही? देखें वो 7 क्या 70 बना सकती है, लेकिन मुझे कपड़ों के अलावा और भी बहुत सारे काम है। मुझे माँ पारा की तरह अच्छे कपड़े और जूते पहनकर अपनी हैसियत से ऊपर दिखने का कोई शौक नहीं। रायत, बेटा बुरी बात है। नहीं, इसमें क्या बुरी बात है मॉम? पता, आप मुझे घर के सर्वेंट से कंपेयर कर रही हैं और चाहती हैं कि मैं एहतजाज भी ना करूं। बेटा ये वाकई बहुत बुरी बात है, वो इस घर की बच्ची। हाँ वाकई, अब वो घर की बच्ची आज दिखाई नहीं दे रही, वैसे तो बहुत एक्साइटेड थी। हाँ पता नहीं, शाम से तो मेरे साथ साथ लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, सो गई मेरे ख्याल आज चलती। अरे तुम कहाँ चलती है? बेटा खाना तो खाओ, और वो माँ पारा की दादी से मैंने चने की दाल का हलवा बनवाया, सकीना लेकर आ रही है खाना वो। नहीं बस मैंने खा लिया, मुझे जरूरी कॉल्स भी करनी है। कॉल्स तो बाद में भी कर सकते हो। नहीं मॉम, मुझे बाकी जरूरी कॉल्स करनी है, एक्सक्यूज मी। क्या हो गया इसे? अरे कह तो रहा है कि जरूरी कॉल्स करनी है। लेकिन कॉल्स बाद में भी हो सकती है मॉम, जरूरी होंगी ना। अच्छा आप लोग खाना खाएं, रिलैक्स हो जाएं, मैं देखता हूँ। मॉम खाना खाएं। नहीं मेरा भी दिल नहीं चाह रहा बस।
आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूं ना। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी जी, वो आपने हलवे का कहा था ना सकीना से, रायत कुछ नहीं खा रहा, रख दो इसे। तुम इसे टेबल पे रखो, मैं लेकर आता हूं उसे। आते ही फोन पे बिजी हो गए। हो गई तुम्हारी जरूरी कॉल? यार सोहेल भाई, इसमें जरा घर का एग्जैक्ट एड्रेस टाइप कर देना। कोई आ रहा है क्या? ये क्या, तुम फूड ऑर्डर कर रहे हो? हाँ, जाहिर सी बात है, खाने के लिए अब भूखा तो नहीं सोऊंगा ना मैं। और ये जो अम्मी ने इतना कुछ बनवाया तुम्हारे लिए, come on, are you serious? ये कढ़ाई, बिरयानी, हलवा, रायद अम्मी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया, सुबह से लगी हुई है वो। come on, सोहेल भाई, मैं अमेरिका से आया हूँ, किसी गाँव देहात से नहीं, जो मेरे लिए बिरयानी, हलवे और ये सारी चीजें बनवा ली हैं आप लोगों ने। मेरे भाई, अमेरिका से भी आके लोग ये सारी चीजें खाते हैं और शौक से खाते हैं। और तुम्हें भी तो बहुत पसंद था ये सब कुछ, तुम्हें याद है स्कूल जाने से पहले तुम कहते थे अम्मी मुझे लंच के लिए कबाब बना के दें वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ याद तो है, लेकिन सोहेल भाई बात यह है कि वक्त के साथ साथ ना पसंद बदल जाती है, आदतें बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। यहाँ तक कि घर के जो सर्वेंट्स हैं ना, उनकी भी अहमियत अभी वही है बल्कि और बढ़ गई। रिलैक्स, एक काम करते हैं, ऊपर छत पे चलते हैं, कॉफी मंगवाते हैं और तुम्हारा फेवरेट फूड भी ऑर्डर करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। सोहेल भाई, मैं अमेरिका से आया हूँ, किसी गांव देहात से नहीं, जो मेरे लिए बिरयानी, हलवे और ये सारी चीजें बनवा ली हैं आप लोगों ने। सोहेल भाई बात ये है कि वक्त के साथ साथ ना पसंद बदल जाती है, आदतें बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। यहाँ तक कि घर के जो सर्वेंट्स हैं ना, उनकी भी अहमियत अभी वही है बल्कि और बढ़ गई है। पारा बेटा, तुम अभी तक घर नहीं गई? और ये हलवा यहाँ क्यों रखा हुआ है? वो अम्मी जी, गलती से नमक गिर गया था इसमें, उनसे खाया नहीं जाता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसे रख दो और तुम भी अब जाकर आराम करो, रात ही रुक गई है। हाँ सुबह कॉलेज भी जाना है मेरे बच्चे। शाबाश। रायत, क्या बात है बेटा, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं? नहीं डैड, वो बस वो हल्की फुल्की सी थकन हो रही है दर्शक। बेटा माफारा से नाराज क्यों हो? तुम जानते हो कि वो इसी घर में पल बढ़कर जवान हुई है, इस घर का एक फर्द है। वो 2 साल की थी जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। और ये भी जानते हो कि इंतकाल कैसे हुआ था? हाँ याद है, वो एक एक्सीडेंट हुआ था। वो सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था रायत, वो हमारी फरी को लेके मॉम के साथ हॉस्पिटल जा रही थी और उसी वक्त अचानक एक ट्रक ने टक्कर मार दी। बेटा दोनों का उसी वक्त इंतकाल हो गया था, फरी का भी और महापारा की माँ का भी। और तुम्हारी माँ आज तक यही समझती है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ था। हाँ तो डैड, वो एक हादसा था और मॉम को आज तक लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब हमारा कसूर है। और ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? तो मैं पहले से ही जानता हूं। बेटा जानना एक अलग बात है और किसी बात को मानना
एक अलग बात है। तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि जब फरी 2 साल की थी तो तुम्हारी मां ने अपनी बेटी को खो दिया, और जब मापारा 2 साल की थी तो उसने अपनी मां को खो दिया। तुम्हारी मां और मापारा दोनों एक दूसरे में खोए हुए रिश्ते ढूंढती। सुनाट मेक सेंस अमीन, इसलिए मॉम ने फरी के सारे कपड़े और टॉयज महापारा को दे दिए। चाहे तुम महापारा से इरिटेट हो रहे हो। हाँ यार, मुझे उसका 24/7 यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है मुझे। मतलब ठीक है, पहले मैं उसकी हेल्प करता था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो हर वक्त यहीं घुसी रहे। देखें, जो घर के नौकर होते हैं उनको एक हद तक एक्सेस दिया जाता है। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कहते फिर आप एक काम करें ना, हमारे घर में और बहुत सारे नौकर हैं, उनको अपने बेडरूम में ले जाते। रायद मॉम को लगता है कि हमारी फरी को हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी अम्मी की डेथ हुई, इसीलिए मॉम को ही उसके सर पे हाथ रखना है ना। हाँ, तो सर पर हाथ रखने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो फ्री हो जाए, हर वक्त यहीं घुसी रहती है। तुम्हें किसने कहा कि हर वक्त हमारे कमरे में घुसी रहती? डैड, जब भी मैं मॉम को कॉल करता हूँ तो साथ बैठी होती है, जब भी मैं स्काइप करूँ कमरे में नजर आ रही होती है। क्या उसका अपने घर में दिल नहीं लगता? शायद मॉम का भी तो उसके साथ दिल लगता है ना। मॉम ने फरी की सारी चीजें महापारा को दी, अभी तक भी फरी की बर्थडे पर सारे गिफ्ट्स महापारा को मिलते हैं। ओह माय गॉड, वाओ, शी इज सो लकी यार। देखो बेटा, वो हम सबसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे आने का सुनकर बहुत खुश थी, बहुत तैयारी की थी उसने। तो डैड, इसके बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जिस तरह सुहेल, मैं, तुम्हारी माँ, हम उससे प्यार करते हैं, तुम भी उसका ख्याल रखो। बेटा, ऊपर वाले हाथ को अल्लाह पसंद करता है। बड़ापन दिखाओ, खामखा उससे मत चिढ़ो, मूड को ठीक करो। शैला बीबी, से तो बड़ा तेज बुखार है, चले इसे अस्पताल लेके चलते हैं। फजल साहब भी शहर में नहीं है, तुम एक काम करो, माँ पारा को उसकी दादी को दे दो और मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। चल। बस 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 मेरा बच्चा, बस बस चलो। रजिया, 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 इसे इसकी दादी के पास दो और उन्हें बता देना कि मैं बेगम साहब के साथ फरी दीदी को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। ठीक है जी। तबीयत नहीं संभल रही बच्ची की, ठीक फरी रो रही है ना, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। सलमा है मेरे साथ। हाँ ओके। चल फरी। क्या हुआ? मेरी बच्ची शैला, क्या हुआ? मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा सकी, मैं मापारा की माँ को नहीं बचा सकी, मैं मुझे वो दोनों की। शैला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस उनका वक्त आ गया था। क्यों खुद को परेशान कर रही हो तुम? मुझे ये गिल्ट नहीं जीने देता। अगर अगर मेरी फरी जिंदा होती तो मापारा जितनी होती। हाँ, मापारा भी तो हमारी बेटी है, फरी की तरह। चलो परेशान ना, सो जाओ, आराम करो। पारा,
मां पारा नाश्ता बनाओ बेटा। रहमत जी, देखो बेटा कैसी बेसुध पड़ी हुई है। क्या हुआ मेरी शहजादी को? कुछ नहीं हुआ अब्बा। कुछ तो हुआ है ना, कॉलेज गई है ना नाश्ता किया है, जब से ऐसे ही पड़ी है। कुछ नहीं हुआ दादी, कल थक गई थी ना इसलिए उठने का बस दिल नहीं कर रहा था। फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज आप मुझे नाश्ता कराएंगे। कुछ तो है, वरना तुम अभी तक छोटी बेगम की तरफ क्यों नहीं गई? देखा अब्बा आपने इनको, जाती हूँ तो उनको बुरा लगता है, नहीं जाती तो फिकर होती है। अब मैं क्या करूँ? अब ऐसे मुंह बिसोर के पड़ी रहोगी तो फिकर तो होगी ना। अच्छा, अगर हाथ में दर्द है तो मैं फजल साहब को मना कर देता हूँ और अपनी शहजादी के साथ घर पे रहता हूँ। अरे नहीं रहमत, तुम जाओ अपने काम पे, फजल साहब का तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। अम्मा, फजल साहब शायद आज ऑफिस नहीं जाएंगे, कह रहे थे रायत को शॉपिंग करवानी है। दादी जी नाश्ता दे, माइयों की इतनी सारी तैयारी करनी है, अम्मी जी की तरफ भी जाना है। शुरू हो गए इसके फिर। चहकती है तो पूरे घर में रौनक हो जाती है, चुप होती है तो पूरा घर चुप हो जाता है। आप भी कपड़े निकाल लीजिए, मगरिब से पहले सोहेल मियां के घर पहुंचना है। मैं भी जरा फजल साहब को फोन कर लूं। मॉम आप अभी नाराज हैं? बहुत चलाको तुम, पता है ना तुम्हें कि मैं तुम्हारी किसी बात से नाराज हो ही नहीं सकती, इसीलिए करते हो सब कुछ। मैंने क्या किया है? मां पारा, प्लीज मेरे कपड़े स्त्री कर दो कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। अभी कर देती हूँ भैया, कहाँ रखे? मेरे कमरे में। मैं ले लेती हूँ। तुम्हारी शादी की खुशी में कर रही है, वरना जान जाती है स्त्री से इसकी। और किसी के हैं तो वो भी दे दे, मैं कर दूंगी। ये नवाब तो अपने कपड़े लाया ही नहीं है, बल्कि सुहेल तुम ऐसा करो प्लीज, इसे आज मार्केट ले जाओ और कुछ कपड़े वगैरह दिलवा दो, तुम्हारे डैडी भी पूछ रहे थे। और अम्मी जी मेरे झुमके, वो भी तो लाने थे। सुहेल भैया आप ले आएंगे? लो जी, अब इन्हें भी कुछ काम याद आ गया। सुहेल एक काम करो, इसे भी साथ ले जाओ। मैं, मेरा मतलब है अम्मी मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, मैं नहीं जा सकता। अरे तो फिर रायत के कपड़े? तो मैं अकेले भी जा सकता हूँ। और मेरे झुमके? भाई सबके बहुत जरूरी काम है, कोई कहीं नहीं जा रहा, तुम बस इसके कपड़े इस्त्री कर दो। तो क्या आपकी माइयों में बिना झुमके पहने आ जाऊं? अरे बाबा मैं अपने कपड़े किसी और से प्रेस करवा लूंगा। रायत तुम प्लीज जाओ और अपने कपड़े भी ले लो और मां पारो को ले जाओ ताकि अपने झुमके ले लो। ठीक है, थैंक यू। अम्मी मैं चलो तो जाऊंगा, लेकिन मेरी बात सुने। अरे हाँ हाँ ठीक है ना, वहां पारा को भी ले जाओ, लेकिन तैयार तो हो जाइए जरा। जाओ बेटे, दादी को भी बता करो। मैं क्यों? मेरा मतलब है मैं बता कर आती हूँ। अम्मी उससे लेके जाना जरूरी है क्या? अरे देखा नहीं था तुमने कैसी रोने वाली हो गई थी। अम्मी आपको नहीं लगता क्या आप लोगों ने उसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रख दिया? रायत क्या हो गया है बेटा, घर की खुशी में खुश हो रही है वो, साथ लेकर जाओ उसे और झुमके जितने के भी हैं पैसे तुमने देने। What? कोई जबरदस्ती है क्या? अपने डैडी की सारी बातें भूल गए हो तुम? पता नहीं किन अजीब चक्रों में फंसा के रख दिया आप लोगों ने मुझे। ड्राइवर को साथ लेके जाना, यहाँ ड्राइव करना खासा मुश्किल काम है।
हाँ यहाँ तो और भी बहुत कुछ मुश्किल है। ओके बाय बाय। ये राहत पीना।